एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा आयोजित सतर्कता सप्ताह के समापन कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख राजीव अकोटकर ने सभी कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ कामकाज करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा सतर्कता सप्ताह का आयोजन भ्रष्टाचार का विरोध करे राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे थीम पर किया गया। सतर्कता सप्ताह के समापन समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी लोगों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। समापन समारोह में परियोजना प्रमुख राजीव अकोटकर ने कहा कि अलग अलग प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों के अंदर करप्शन के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई। राजीव अकोटकर ने कहा कि सभी कर्मचारियों को अपना काम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए। वैल्यू सिस्टम की जरूरत होती है, वो होता है हमारे स्कूल और हमारा घर, जहां हम लोग बचपन से वैल्यू सिस्टम सीखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम स्कूल में करवाए हैं, बच्चों के बीच करवाए हैं। लास्ट वन वीक में बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें बच्चों के बीच क्विज कंपटीशन हुआ है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ है, लेडीज के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज हुए हैं। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।